वंशीपुर से मुक्तिनाथ की ओर। कुछ लेना न देना मगन रहना, भजन करना रे भजन करना, भजन करना रे भजन करना। भजन तो करना और भोजन भी करना, क्योंकि भूखे पेट न होए भजन गोपाला। आहा, भजन करना पर भोजन भी करना भजन। अरे छोटे महाराज, बाल योगी जी, कुछ भोजन खाओगे महाराज? आओ आओ। अरे बड़ा स्वाद बना है आज तो। लो दीजिए। धन्यवाद। ग्रहण करो योगी जी, ग्रहण करो। यात्रा पर निकले हो? जी हाँ। कुछ सामान नहीं है साथ में? वैसे तो मेरे पास भी और कुछ खास सामान नहीं रहता, पर हाँ अपने भोजन का प्रबंध करने का सारा सामान मैं अपने पास ही रखता हूँ। वो क्या है कि मुझे भाई भोजन हमेशा बढ़िया चाहिए, एकदम स्वाद। वैसे आप खाने का प्रबंध कैसे कर लेते हो? कुछ साथ में तो नहीं रखते? कुछ ये खाने लायक तो नहीं दिख रहा आपके पास, कमंडल वगैरह के अलावा? सामान की क्या आवश्यकता है, बस इस शरीर को जीवित रखा जा सके उतना प्रबंध हो जाता है और वही पर्याप्त है। बात तो सही है लेकिन खाने। अरे 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 महाराज, अरे ये क्या कर रहे हैं छोटे योगी जी? अरे 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 सत्यानाश, सारी मेहनत पानी में मिला दी आपने। ऐसे पानी मिलाकर भोजन कौन करता है महाराज? इसमें स्वाद क्या आता है और आनंद क्या आता है इसमें? स्वाद तो परमात्मा की मूर्ति का आता है और आनंद भी उनके स्वरूप का, निज स्वरूप का ही आता है। पर इतना स्वादिष्ट भोजन जो बनाया था है, उसका क्या है? योगी के लिए परमात्मा की भक्ति ही भोजन है और परमात्मा की मूर्ति का सुख ही उसका स्वाद है। धन्यवाद सन्यासी जी। बाली होगी, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे इस स्वाद लोलुपता से अवगत कराया महाराज, और निस्वाद होने की सीख दी। कुछ लेना न देना मगन रहना और भोजन नहीं अब भजन ही करना, भजन करना रे भजन करना। नीलकंठ वर्णी जानते थे कि काली गंडकी नदी के किनारे चलते हुए मुक्तिनाथ पहुंचा जा सकता था,
इसीलिए वे काली गंडकी नदी के प्रवाह को ढूंढ रहे थे और उसी दौरान वे किसी अज्ञात निर्जन क्षेत्र में आ पहुंचे। इस सुनसान क्षेत्र में धरती पर खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था और आकाश में शिकारी पक्षियों के झुंड किसी भी पशु या मनुष्य के शरीर को अपना भोजन बनाने के लिए आतुर थे। निरंतर 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद यदि किसी भी सामान्य मनुष्य को पानी मिल जाए तो उसके लिए तत्काल पानी पी लेने से अधिक प्राथमिकता और कुछ भी नहीं हो सकती थी, परंतु नीलकंठ वर्णी के लिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी सबसे अधिक प्राथमिकता थी उनकी भक्ति। नेपाल प्रदेश में बालेवा गांव के पास नीलकंठ वर्णी को काली गंडकी नदी का प्रवाह मिल गया, जो अब मुक्तिनाथ तक पहुंचने का रास्ता तय करने के लिए उनका पथ दर्शक था। सबसे पहले भगवान की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद ही बाकी सब कामों की शुरुआत करनी चाहिए। अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी मुक्तिनाथ पहुंचने का रास्ता तय करने लगे।
काली गंडकी नदी का प्रवाह मुक्तिनाथ जाने के लिए नीलकंठ वर्णी का मार्गदर्शक था और तातोपानी क्षेत्र से आगे किसी घाटी में से चलते समय कहीं पर काली गंडकी नदी का वो प्रवाह मानो अदृश्य हो गया। उस प्रवाह को ढूंढ लेना अनिवार्य था। पानी की आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हुए संध्याकाल होते होते नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचे जहां दो पर्वतों के बीच की खाई में स्थित एक गुफा में सामने से पानी का प्रचंड प्रवाह आ रहा था। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए यदि काली गंडकी नदी को पुनः पाना था तो यहीं से होकर जाना था। ऐसा निश्चय करके नीलकंठ वर्णी इस भयानक गुफा में से बहते हुए पानी के प्रचंड प्रवाह का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगे।
अतिशय भयानक और घातक स्थितियों का रात भर सामना करते हुए प्रातः नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर गुफा से बाहर आए जहां उन्हें काली गंडकी नदी का प्रवाह पुनः मिल गया। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए पुनः काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ चले नीलकंठ वर्णी की कुछ हठयोगी सन्यासियों से भेंट हो गई। आप सभी हठयोगियों को हमेशा उचित साधना करने का मार्गदर्शन मिलता रहे और अंततः परमात्मा की भक्ति का उत्तम योग प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। मार्फा, जोमसम आदि स्थानों से होते हुए नीलकंठ वर्णी धवलगिरी और नीलगिरी पर्वतों के बीच स्थित खाई से गुजरे। विश्व की कुछ सबसे गहरी खाइयों से होते हुए नीलकंठ वर्णी एक ऐसे क्षेत्र में आ पहुंचे जहां सबसे वास्तविक रूप के शालिग्राम प्राप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। ये थोड़ा बहुत शालिग्राम लग रहा है। पक्का होगा। और ढूंढता हूँ, शायद इससे भी अच्छा मिल जाए। आप कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, सच्चे शालिग्राम। इस विस्तार में अनगिनत पत्थर हैं, ऐसे काले काले, और ऐसे अनगिनत पत्थरों में से कभी कभार एक सच्चे शालिग्राम मिल जाते हैं। बड़े अमूल्य होते हैं सच्चे शालिग्राम, क्योंकि सच्चे शालिग्राम की मूर्ति में भगवान बसते हैं। यदि वो मिल जाएं तो बस भाग्य उजागर हो जाए, कल्याण ही हो जाए अपना। या मूर्ति में भगवान सचमुच होते हैं? हाँ, वैसे तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, और परमात्मा ने प्रमाणित की हुई मूर्ति में तो उनका वास जरूर होता है। परमात्मा और कहाँ बसते हैं? अपने धाम में, और यहाँ इस पृथ्वी पर ब्रह्म स्वरूप संत में। जैसे इन अनेकों में से कोई एक शालिग्राम होते हैं, वैसे अनेक प्रकारों में एक सच्चे प्रकट ब्रह्म स्वरूप संत होते हैं, जिनमें साक्षात परमात्मा का सांगोपांग निवास होता है। परमात्मा स्वयं या ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत ही जीव को परम कल्याण का मार्ग दिखा सकते हैं, और इसीलिए उन दोनों की प्राप्ति भी अति दुर्लभ है। धन्य हो गया मैं। प्रणाम प्रभु। बेनी, रानी बंवा आदि स्थानों से होते हुए नीलकंठ वर्णी अंततः मुक्तिनाथ आ पहुंचे।
नीलकंठ वर्णी जब मुक्तिनाथ आ पहुंचे तब उनकी उम्र थी लगभग 12.5 वर्ष। हिमालय की गोद से बहता निर्मल जल यहाँ मुक्तिनाथ मंदिर में मानो पवित्र हो जाता है जब वो 108 गौमुखों से होकर बहने लगता है। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं इस पानी में स्नान नहीं करूँगा। बेटा हमने स्नान कर लिया ना, चलो तुम भी कर लो। ये तो बहुत ठंडा है माँ, मैं इसमें स्नान नहीं कर पाऊंगा। फिर भी स्नान तो करना पड़ेगा बेटा, जाओ मेरे साथ आ जाओ दोस्त। जाओ जाओ, चलो आ जाओ। जाओ, घबराओ मत, कुछ अच्छा ही करने जा रहे हो तो परमात्मा को प्रार्थना करके शुरू हो जाओ। ओम परमात्मने नमः। नमः परमात्मने नमः। मैंने स्नान कर लिया, मजा आ गया। सुनो हा? मेरे साथ चलो, चल मैं तुम्हें फिर से स्नान करवाता हूँ। चलो चलो, बहुत मजा आएगा। ओम परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम परमात्मने नमः। कुछ ढूंढ रहे हैं आप वर्णी जी? ब्रह्मा जी के पुत्र पुला जी ने यहीं कहीं तपस्या की थी ना? हाँ, यहीं पर आगे, इसलिए तो ये जगह पुलाश्रम कहलाती है। पर क्यों? मुझे भी वहाँ तपस्या करनी है। आप इतने तपकृष्ट तो हो ही गए हैं, अब और कब तक तपस्या करते रहेंगे? जब तक माता के शरीर के भाग रूप रक्त और मांस इस शरीर से पूर्णतः मिट न जाए तब तक। जी प्रणाम। कल सुबह से ये ऐसे ही खड़े हैं, कितने दिनों से इनकी तपश्चर्या ऐसे ही चल रही है।
अपना पूरा जीवन मैंने यहाँ मुक्तिनाथ में बिताया है, पर आज तक ऐसी असामान्य तपश्चर्या के दर्शन मुझे नहीं हुए। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात परमात्मा यहाँ पृथ्वी पर उतर आए हों। कितनी शोभायमान लग रही है उनकी मूर्ति, जैसे तप और ब्रह्मचर्य का साक्षात स्वरूप। सूर्य देव को भी तेज प्रदान कर रहे हो, ऐसी तेजोमय कांति।